5 रुपए की बिस्किट से 5 मिनट में हमारा टेस्टी सा चॉकलेटी केक, ये देखिए लग रहा है ना कितना मजेदार, कितना स्पॉन्जी, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, मजेदार सा। तो इस नहीं हुआ, आप भी बनाइए, एंजॉय करिए, सबको खिलाइए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है और क्या क्या हमको। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, आई एम श्योर कि ठीक ठाक तो होंगे ही होंगे और फिटफाट भी होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोविया की डिश। आज मैं बनाने वाली हूँ 5 रुपए के बिस्कुट से 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा चॉकलेटी केक। आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। इस न्यू ईयर बनाइए, इंजॉय करिए, अपनी फैमिली को खिलाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए हमने चॉकलेटी बिस्कुट ले लिया है टाइगर वाला, आप कोई सा भी ले लें चॉकलेट फ्लेवर का। ये देखिए एक एक पैकेट में ये 8 पीस है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। मैंने ये 6 पैकेट लिए हैं, ये देखिए मैंने 6 पैकेट लिए हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सर जार लेंगे, इनको तोड़ के उसी में डाल लेंगे। ताकि ये अच्छे से फिर जाए, इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। ज़्यादा सामान नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई परेशानी नहीं, फटाफट से तैयार हो जाता है और बड़े ही मज़े का लगता है। ये देखिए सबको तोड़ लिया हमने, इनको पीस लेते हैं बारीक। ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल बारीक हमने इसको पीस लिया, इसमें कण नहीं होने चाहिए। अब क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे उसमें इसको ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए सारे बिस्किट हमने इसमें निकाल लिए हैं। अब क्या करना है, वेरी सिंपल, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको बना लेना है एक अपनी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर। एक बार में पूरा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको हम देसी ओवन में बनाने वाले हैं, मतलब बड़ी आसानी से चूल्हे पे बनाने वाले हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध हमारा ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, रूम टेम्परेचर पे है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा बटर, ये देखिए रनिंग कंसिस्टेंसी का हो गया है, अब ये तैयार है। चलिए अब क्या करना है, अब हम जिस पैन में बनाते हैं, जिस बर्तन में बोले लेते हैं, ये देखिए मुझे इसमें बनाना है। सबसे पहले इसको बटर या घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए हम थोड़ा सा मक्खन लगा के इसको ग्रीस कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे, एक्स्ट्रा को निकाल देंगे, सब तरफ से कोट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा केक जो है पैन में लगेगा नहीं। ये देखिए तैयार हो गया। अब चलिए आ जाते हैं चूल्हे के पास। अब ये देखिए फ्रेंड चूल्हे पे हमने एक बर्तन रख दिया है, बीच में एक प्यारी रख दिया, नमक डाल दिया, आप चाहे तो स्टैंड रख दें। ये हमारा ओवन बन गया है, ये हीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, अपने बटर को लेंगे, तो देखिए फ्रेंड ये ओवन ना हो कोई टेंशन नहीं, ये हमारा हीट हो रहा है। ये हम निकाल के चाहे तो आप ढक्कन भी रख सकते हैं कोई सा, आराम से मजे से पकाइए, एंजॉय करिए। मैं देखिए इस तरह की छोटी सी प्लेट रख देती हूँ और इसको अपना प्री हीट कर लेती हूँ। अगर ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर आप कर ले इसको बेक 10 से 15 मिनट। तो चलिए अब आ जाते हैं बटर के पास। ये देखिए हमने अपने बटर को ले लिया है, ये देखिए इसकी रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखिए। अब क्या करेंगे, एक शैशे इनो का डाल देंगे। कोई झंझट नहीं, कोई मुश्किल नहीं, फटाक से अब इसके ऊपर जो है थोड़ा सा दूध डाल देंगे। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा चला के, ज़्यादा नहीं हिलाना है, बस बस ये आराम से धीरे धीरे चला के तुरंत इसको रख देंगे अपने बटर के अंदर। ये देखिए ये पैन लिया, इसमें आप किसी भी स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं, या आपके पास कोई मोल्ड हो उसके में बना लें। ये देखिए
सबको अच्छे से फिल करके इसके बाद इसको पटक देंगे ताकि इसमें एयर ना रहे। ये देखिए अब इसको हम सजा लेते हैं। अब इसमें हमने चूंकि इनो डाल दिया, ये अपना काम करने लगा है, तो इसको ज्यादा देर नहीं रखना है हमें, फौरन से ले जाके अपने वो देसी ओवन में डाल देंगे, पक जाएगा। ये देखिए एक और लगा देते हैं। ये देखिए हो गया हमारा, तो चलिए इसको ओवन में डालते हैं। ये देखिए इसको हम रख देंगे, ये 15 से 20 मिनट में आराम से पक जाएगा, इसको ढक के ढक देंगे। तो वो ढक्कन नहीं सही है, मैं ये दूसरे ढक्कन से इसको कवर कर देती हूँ। अब ये आपकी आंच पे डिपेंड करता है, बर्तन अगर मोटा रहता है तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, नहीं तो बहुत जल्दी से ये फट से बन जाता है। चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स 20 मिनट बाद देखते हैं अपना केक को। वाह ये देखिए बनके तैयार हो गया है बड़े अच्छे से। ये देखिए एक काजू डूब गया उसी में, कोई बात नहीं। अब हम इसको चेक कर लेंगे कैसे बना है कि नहीं बना है पूरी तरह से। ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई, यानी कि तैयार हो गया, ये जरा सा रह गया है। तो इसको बस थोड़ी देर, कुछ ही सेकंड तक एक बार फिर से ढक देते हैं, लगभग पक चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा केक तैयार हो गया है। ये देखिए फिर से टूथपिक लेके चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब बिल्कुल क्लीन आई है, यानी तैयार है। चूल्हे को ऑफ कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए मेरे बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए मैं पानी में डाल के इसको ठंडा कर रही हूँ। ये देखिए इसको ठंडा करने के बाद ये देखिए चाकू से इसकी कोर को निकाल लेंगे, तो ये निकलने में बड़ी आसानी से निकल आएगा। इसको पलट लेते हैं प्लेट से। देखिए एक प्लेट लेंगे, इसके बाद इसको पलट लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से निकल आया। ये देखिए स्पंजी सा हमारा केक। अब इसको सीधा कर लेते हैं, फिर से एक प्लेट लेंगे, फिर से उलट देंगे, सीधा हो जाएगा। वाओ ये देखिए, ये देखिए कितना स्पंजी सा केक हमारा तैयार हो गया बनके। 5 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से। बस अगर बच्चों का मन कहे या आपका मन हो या कोई भी वेकेशन हो, तो आप फौरन इस तरह से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। तो फ्रेंड कैसा लगा 5 मिनट में ये हमारा टेस्टी सा केक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।